भैया लोकसभा चुनाव का आगाज जो है वो हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में और हमारे साथ इंडिया अलायंस के प्रत्याशी भी हैं और जनता भी है। सबसे पहले जनता के पास चलेंगे क्योंकि जनता ही नेता को कुछ भी बनाती है, चाहे वो सांसद हो, सीएम हो, पीएम हो। आपने जो इन्हें माला पहनाया, ये किस चीज़ का माला है? चुनाव का है, जीत का है, हार का है, किस चीज़ का माला है जी? ये पहली माला तो चुनाव की है, जो लड्डू खिलाए हैं वो जीत के हैं। सोमनाथ भारती जी को मेरे ख्याल से दिल्ली के क्या हिंदुस्तान के लोग भी जानते हैं इनको, और ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं हमारे, और हमने तो एडवांस में बधाई दे दी है लड्डू खिला के कि जी आप जीतेंगे। इनके लिए पूरी मार्केट अपने जी जान से काम करेगी, क्योंकि यहाँ सरोजनी नगर मार्केट में मैक्सिमम दुकानदार या तो सफदरजंग इंक्लेव में रहते हैं या फिर मालवीय नगर में रहते होंगे। पिलंजी गांव है, सारे लोग हैं वहाँ के, सारे लोग आए हुए होंगे, और हमें ये उम्मीद है पूरी के जो हमारी मार्केट के छोटे मोटे जो काम हैंगे बरसों से रुके हुए हैंगे वो आप ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमने इनका मालवीय नगर का जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ देखा है कि किस तरीके से काम करते हैं। बहुत काम करने वाले, ज़मीन से जुड़े हुए नेता है, तो हमें उम्मीद हैगी कि ये काम जरूर करेंगे। देखिए, भरोसा के साथ साथ जिम्मेदारी भी आता है, और सोमनाथ भारती जी ने जो काम किया है उसको आज भी नाम ले रहे हैं लोग। सोमनाथ जी, आपको जो माला जो मिला है, जो जो लोगों ने मिठाइयाँ खिलाई हैं, क्या लगता है जिम्मेदारी कितनी मानते हैं इसमें? नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर काम रहा है, मैंने धन नहीं बनाया, मैंने प्रेम कमाया है, मैंने लोगों का प्यार कमाया है, अथाह प्यार कमाया है। मतलब आज मेरे क्षेत्र के अंदर हर घर के अंदर परिवार का हिस्सा हूँ मैं। किसी का मैंने लंच किया है, किसी के साथ मैंने डिनर किया है, किसी के साथ मैंने नाश्ता किया है, सुख दुख में साथ खड़ा रहा हूँ। रात हो, दिन हो, बारिश हो, धूप हो, हर वक्त मैं क्षेत्र के साथियों के साथ रहा हूँ, और यही कारण रहा कि मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर पहला चुनाव जब जनता ने मुझे जिताया 8,000 के मार्जिन से, दूसरा जिताया 16,000 के मार्जिन से, तीसरा जिताया 19,000 के मार्जिन से, और चौथी बार जो भाजपा एक तरह से प्रभावी क्षेत्र था, तीनों के तीनों पार्षद सीटें जनता ने आम आदमी पार्टी को दे दिया। कई सीटों पर तो 50 साल से भाजपा थी, जैसे हौज खास है, ग्रीन पार्क है। मुझे लग रहा है कि जनता को आप ज़्यादा गुमराह नहीं कर सकते। जनता जब कुछ देख लेती है उसको पकड़ लेती है। अब जनता ने 10 साल में देख लिया अभी कौन उनके काम आ पा रहा है। सांसद लोग कह रहे हैं आप उनके काम आएंगे, इसकी क्या गारंटी है? गारंटी तो देखो पूत के पांव पलने में होते हैं। जो जिसकी जो कि यहाँ पे अधिकतर जो व्यापारी साथी हैं, किसी का कनेक्शन मालवीय नगर से, किसी कनेक्शन सदर इंक्लेव से है, किसी कनेक्शन ग्रीन पार्क से, किसी कनेक्शन पिलंजी गांव से, इन सारे साथियों ने मुझे देखा है काम करते हुए। इन्होंने देखा कि भाई इसको आप मंत्री बना दो, इसको आप वाइस चेयरमैन बना दो, कुछ भी कर दो, ये ज़मीन से नहीं हटता है, इसमें अकड़ नहीं आती है, ये हमेशा अपने आप को। चूँकि मेरे लिए क्या है, मेरा जीवन आध्यात्मिक रहा है, हर व्यक्ति जिसकी मैं सेवा कर पाता हूँ मुझे लगता है मैंने परमात्मा की सेवा की। मानव सेवा ही माधव सेवा है, क्योंकि जनता की सेवा ही तो माधव रूपी है सारे। आप सेवा की बात कर रहे हैं क्योंकि आप जनता के बीच में हैं, इनकी बहुत समस्याएं हैं। इस मार्केट में कई ऐसी समस्याएं हैं जिनको राज्य सरकार भी ठीक कर सकती है, केंद्र सरकार भी, MCD भी, जैसे रास्ते को लेकर के है, कई सारे वेंडरों की समस्या है, तो इनको लेकर के सबसे बड़ा दर्द ये है कि कोई नेता जीतने के बाद इनके दरवाजे पे नहीं आता। जो समस्या ये सारी इस प्रकार के जो इनकी शिकायत है मेरे साथ नहीं रहेगी, क्योंकि मैं तो 24/7 वाला व्यक्ति हूँ। मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप बना बना घर घर से समस्या लेता हूँ, और मैं मार्केट के साथियों को वादा करना चाहता हूँ कि महीने में एक बार आपके बीच बैठूँगा, हर महीने एक बार आपके बीच बैठूँगा, और जो एक महीने में समस्या लूँगा अगले महीने में समाधान दूँगा। सोमनाथ भारती ये वादा कर रहे हैं, भरोसा है आपको जो सोमनाथ भारती जी बोल रहे हैं?
हाँ जी बिल्कुल भरोसा है, क्यों नहीं भरोसा आएगा, क्योंकि पिछला जो इनका हमने काम करने का तरीका देखा है और जो लोगों से सुना है, आम आदमियों से, कि पब्लिक का काम करते हैंगे ये, तो वो तो करेंगे करेंगे, भरोसा ही नहीं, पूरा विश्वास भी है और करना भी चाहिए, नहीं तो 5 साल बाद फिर दोबारा आना आएगा और उस चीज़ को अगर सोचेंगे तो साहब काम तो करेंगे। जनता सीधा मुँह पे बोल रही है, अगर जो काम नहीं करेंगे तो 5 साल भी फिर बुलाएंगे और उस तब जवाब लेंगे। सर आप क्या बोल रहे हैं? आपको बता दूं, जितने भी दुकानदार वर्ग के लोग खड़े हैं, मार्केट की तमाम समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष अक्रॉस द टेबल बिठाते हैं। जीएसटी की समस्या हमारी मालवीय नगर मार्केट के अंदर आमने और सामने अधिकारियों के सामने बिठा करके तय कराई और वहां पर भ्रष्टाचार को कैसे आपने समाप्त किया, जो भ्रष्टाचार के अड्डे हैं, और उसको समाप्त करने में आपका बहुत मजबूती से हाथ है। मैं आपको परामर्श देता हूं आपके बिहाफ पर कि जो भी आपकी एनडीएमसी की समस्याएं हैं, हमारे दानिक्स के अधिकारी वहां पर हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, आप एक एमपी होने के नाते जब उसके सदस्य होंगे तो तमाम एनडीएमसी की समस्याएँ किसी की भी दुकानदार की होंगी, फुटपाथ वगैरह की छोटी छोटी हैं, एनडीएमसी स्टेट में समस्याएं हैं, दुकानें आपके नाम चढ़ नहीं रही हैं, कैसे म्यूटेशन हो उन सब समस्याओं का समाधान, चूंकि आप वकालत के पेशे से हैं, झट करवा कर देंगे, ये मैं आपको निश्चिंतता के साथ। ये बिल्कुल, ये जनता का भरोसा है और भारती जी का शायद वर्किंग स्टाइल ही है, क्योंकि पार्टी ने इन्हें जो टिकट दिया है और इस बार लोकसभा चुनाव में आए हैं। सर इनकी कई सारी समस्याएं हैं जिनका फैसला कोर्ट के द्वारा होना है और ये लोग बीते कई सालों से उन समस्याओं को लेकर कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, फिर भी इनको मदद नहीं मिल पा रही। जो नेता जाते हैं वो कहीं से भी इनकी मदद नहीं करते, क्या कहेंगे? आप तो एक वकील भी है, क्या इनके लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट में भी आप इनके लिए जाएंगे? देखिए, एक जो भगवान श्री राम के माध्यम से जो दो लाइन हम बचपन से सुनते रहे हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। तो जिस प्रकार से मैं आज अपनी बात रख रहा हूँ, मार्केट के साथी हों, तह बाजारी के साथी हों, रेड़ी पटरी के साथी हों, सबकी समस्याओं का समाधान परमात्मा भगवान श्री राम सोमनाथ भारती के हाथों करवाएंगे। तो यानी भगवान के नाम पे एक बार फिर से चुनाव जीतने की तैयारी में है और सोमनाथ भारती ने वादा किया है कि अगर वो जीत के आते हैं तो महीने में कम से कम एक बार जरूर इस मार्केट में आएंगे, लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।